सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं जरासंध पर। जरासंध की कहानी मैंने एक दिन सुनी और मैं जरासंध पर चर्चा करने की सोचने लगा। आप लोग जानते हैं जरासंध एक कैरेक्टर था जो कि महाभारत में था। उसका भीम के साथ युद्ध हुआ और वो उसमें मारा गया। लेकिन जरासंध एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। इसके बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको कुछ सिखाता है जो कि बहुत ज़रूरी है। जरासंध कैसे पैदा हुआ था पहले ये समझ ले। काशी नरेश थे, एक राजा थे, नाम आप गूगल में पढ़ लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं है। उनका एक उनके कोई बेटा नहीं हो रहा था, वो बूढ़े थे, उनकी दो रानियां थीं। तो साहब बेटा बच्चा बच्चे नहीं हो रहे तो परेशान थे, तो गए उनके पास। एक ऋषि आए हुए थे, तो ऋषि ने तो बताई, तो ऋषि को दया आई। ऋषि ने एक फल दे दिया, ठीक है, सेब दिया, पता नहीं कोई एक फल दिया, कहा इनको खिला देना, रानी जी को एक बेटा हो जाएगा, जो भी कुछ होगा। तो गए, तो रानी दो थी, दोनों से प्रेम था, सेब को काट दिया और आधा एक को खिला दिया, आधा एक को खिला दिया। बच्चा हुआ आधा आधा दोनों में से, तो ऑब्वियसली आधा आधा हुआ तो वो मरा हुआ मृत था। तो इन लोगों ने सोचा बेकार है, इसको उन्होंने जंगल में फेंका है। वहाँ पर एक जरा नाम की राक्षसनी घूम रही थी, ठीक है, उसने वो दोनों टुकड़े लिए और जोड़ दिए। जरासंध उसमें प्राण आ गए, राजा को दिया ही, जरासंध बन गया, ठीक है, जरा समझना ध्यान से। उसके बाद क्या हुआ, जब भीम के साथ बाद में कृष्ण की मौजूदगी में जब युद्ध हुआ और भीम ने 40 दिन में इसको, काफ़ी देर तक युद्ध चलता रहा, मैंने कहा 40 दिन का युद्ध हुआ था, पता नहीं, अब देख लीजिएगा, उसको मारा, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको मारा कैसे जाए, वो मर नहीं रहा था, तो श्री कृष्ण ने एक घास का तिनका दिखा करके फाड़ा ऐसे करके, इसको बीच से टांग से चीरो, तो भीम ने वैसे ही किया, वो मर गया, ठीक है। जैसे वो जुड़ के बना था वैसे ही वो फट के मर गया, वैसे ही फाड़ दिया उसने उसको। पर अब ये इस कहानी में खास बात क्या है, देखो इस कहानी में एक बहुत खास बात है, इसकी सबसे बड़ी खास बात, तुम इसका फाड़ना देखो और इसका जुड़ना देखो। देखो तुम दो चीज़ों से मिलके बने हो, एक प्रकृति तत्व है तो दिख रहा है, ये देखो ये उंगलियाँ दिख रही है ना, और एक तुम्हारा सेल्फ है, एक चेतन तत्व है। ये क्या है, प्रकृति तत्व है और एक चेतन तत्व है। जिस दिन तुम अपने प्रकृति तत्व से चेतन तत्व को फाड़ के अलग कर दो, समझ रहे हो, उस दिन तुम ज्ञानी हो जाओगे। वो ज्ञान है, इसके अलावा सब कुछ अज्ञान है, मैं तुमसे सीधे कहता हूँ। जो शरीर को जानता है और इसमें रहने वाले को जानता है उसे ही ज्ञानी कहा जाता है भागवत गीता के हिसाब से। तो ध्यान रखना, जब चेतन तत्व और प्रकृति तत्व को सेपरेट करने की कला सीख जाओ, अलग कर दो, फाड़ के अलग कर देना, जैसे जरासंध का शरीर फट के अलग हुआ था, ठीक है। और तब उस दिन तुम देखना सीख जाओगे, जिसे विदेह कहा जाता है, अपने शरीर से अपने को अलग किया, ठीक है, और देखा कि कैसे हो रहा है। तो कर्मयोग तो वैसे ही हो जाएगा, अनासक्ति वैसे ही हो जाएगी, देखना वैसे ही सीख जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। सारी समस्या की जड़ शरीर से चिपके रहना है, चाहे भय हो चाहे कुछ भी हो, इसलिए कहता हूँ जरासंध महत्वपूर्ण है। चीर के फाड़ के चेतन तत्व को प्रकृति तत्व से अलग करना ही योग है, और ये इसकी प्रक्रिया ही क्रिया योग कहलाएगी, यही सब कुछ है। इसलिए अब कर सकते हो तो करो, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, धन्यवाद।